ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે જાણીતા સુરતના ડાઇંગ અને પ્રોસેસિંગ એકમો એટલે કે મિલો દિવાળીમાં ઓછામાં ઓછું એક મહિનાનું વેકેશન પડશે। કોલસા અને કલર તેમજ કેમિકલના ભાવો અકલ્પનીય રીતે વધતા સુરતના ડાઇંગ અને પ્રોસેસિંગ એકમોના માલિકો ભયંકર નાણાભીડનો સામનો કરી રહ્યા છે, જે આજ વેકેશન પાડવા પાછળનું આ એક મહત્વનું પરિબળ છે। जो टेक्सटाइलना एकमो जो वेक्सिन पाड़शे तो तेनी सीधी असर बजार पर पड़शे। मिलो में तैयार थयेली कापड़ बजार में आवशे नहीं। रोज नवा नवा भाव होय आवा संजोगोमां कारखानो चलाववो अमारे माटे एक खूब मोटी समस्या थई गई छे। जे सारा युनिटो छे जे एनी पास हेल्धी काम छे ये तो व्यवस्थित है, पण जे नाना ने जे मध्यम कक्षाना छे के जेनी पहलेथी कोरोना वखतथी एनी फाइनांशियल परिस्थिति बराबर नथी ए डाइंग हाउस एकदम संकट में आव्या छे। एक महीना पहला आपनी कोईनी चेनल परथी मैं कहीलू के दिवाळीनी आसपास ओछामां ओछा 100 डाइंग हाउस बंद थई जशे। अत्यारे परिस्थिति आवी छे के तमामे तमाम जे 350-400 छे ते बंद करवानी अत्यारे वात आवी छे।